हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं इसी प्रसंग में, इस संसार में कई प्रकार के लोग हैं, साधक जो माने जाते हैं उनमें भी ज्यादा कर्मी हैं और कुछ ज्ञानी हैं और उसे भी बहुत कम योगी हैं, भक्त जिनको कहा तस्मात जोगी भवार्जुन। योगी का अर्थ होता है भक्त। आजकल जो जोगा जोगा शब्द प्रचलित कर दिया गया है, ये तो केवल हठ योग है, और शरीर का कसरत और कुछ सांस प्रश्वास ठीक करना, ये योग नहीं है। वास्तव में आजकल मनुष्य समाज में इस बात का प्रचार हो गया, ये योगा है, योगा है, व्यायाम करना है, हाथ को पांव को सिर को इधर उधर करना है, सांस को रेगुलेट करना है, इसको लोग समझते हैं योग। योग कर्म सुकौशल, वास्तव में योग है भगवान की भक्ति, जीवात्मा का जो संजोग है भगवान के साथ कृष्ण के साथ, इसी को योग कहा गया है। योग का अर्थ है संजोग, जैसे वियोग वियोग शब्द है वियुक्त होना, ऐसे ही योग का मतलब है भगवान से युक्त होना। कैसे युक्त होंगे? चूंकि जीवात्मा प्रकट नहीं है, वो इंद्रियों में पड़ा हुआ है देह में, अतः इंद्रियों के द्वारा ही भगवान से उसका संजोग हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है हाथ से, तो यह योग है, योग है, भक्ति योग कहते हैं। भगवान ने गीता में कहा है तस्मात योगी भवार्जुन, सबसे श्रेष्ठ है योगी, इसलिए तुम योगी बनो। तो योगी बनो का इसका मतलब ये नहीं है कि कसरत करो, केवल शारीरिक कॉन्शियसनेस बॉडी कॉन्शियसनेस में रहो, इस शरीर से परे आत्मा को समझना चाहिए और आत्मा का संबंध भगवान से, और उस संबंध को पुष्ट करने के लिए जीव जो करता है शरीर से इंद्रियों से, ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, तब उसको योग कहते हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य समाज का कि इन शब्दों का अर्थ भी नहीं जानते। ठीक है, हठ योग करना हो करना चाहिए, शरीर को ठीक रखने के लिए करें, लेकिन योग नहीं कहना चाहिए इन शब्दों को, इन क्रियाओं को, ये योग नहीं है। रामचरितमानस में कहा गया योग कुयोग ज्ञान अज्ञान जहने राम प्रेम प्रधान, यदि भगवान राम से प्रेम नहीं है तो योग कहो तो कुयोग है, ज्ञान अज्ञान है। वास्तव में भगवान से प्रेम करना ही वास्तविक योग है और ज्ञान है। योगी किसको कहते हैं? मान लीजिए इस समाज में हम लोग बैठे हैं, किसी का 100 का नोट गिर गया इस सभा में, कर्मी किसको कहते हैं? कर्मी प्रत्येक वस्तु को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए समझता है, बस भोगो भोगो भोगो, ये चीज इकट्ठा करो, पैसा कमाओ, ये करो और खूब खाओ पियो भोगो, घर बनाओ, फर्नीचर लाओ, ये सब कार लाओ, नया नया मॉडल का, ये सब लेकर के भोग। तो वो पैसा देखेगा तो सबसे पहले सोचेगा अच्छा हुआ हमारे भोग में काम आएगा, उसको कर्मी कहते हैं, उसको भोगी कहते हैं। और दूसरा व्यक्ति देखेगा नोट को तो सोचेगा हमें इसे क्या मतलब है, किसी का हो, वो उसको भोगेगा नहीं और लेगा भी नहीं, वो सोचेगा कि नहीं किसी का है हमको इससे क्या मतलब है, वो नहीं भोगना। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो भोगों से डर गए, उब गए, तो वो लोग संसार को भोगते नहीं हैं, जिनको त्यागी या बैरागी कहा जाता है, वो भोगते नहीं हैं, बस कहीं एकांत में चुपचाप बैठे रहते हैं, कभी कभी गांजा पी लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, उससे ऊपर नहीं है। लेकिन और दुनिया में जो सामान है, पैसा है, ये है वो है, उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते, स्वयं भी नहीं, और इसी को दुनिया समझती है कि वो पहुंचा हुआ महात्मा, इसको त्यागी कहते हैं या ज्ञानी। और तीसरा व्यक्ति देखेगा किसी का नोट गिरा हुआ है तो उस पैसे को ला करके वो माइक पर अनाउंस करेगा कि किसका है, आप अपना पैसा ले जाइए, जिसका है उसको दे करके वो शांति का अनुभव करता है। इसको योगी या भक्त कहते हैं। संसार में बहुत चीज फैला हुआ है, धन है, घर है, स्वजन है, पढ़ाई लिखाई सब कई चीजें हैं, इन सबको देखता है कि सब कृष्ण का है,
भगवान का है, तो वह भगवान की सेवा में इन वस्तुओं को अर्पित करते हैं, जिसको भक्त या जोगी कहते हैं। सिर्फ विरक्त नहीं होता है, ये नहीं सोचता इसे क्या मतलब है, वो जानता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की, ईशावास्यमिदं सर्वं, सब कुछ कृष्ण का है, हमारा देह, हमारा मन और हमारी इंद्रियां, ये सब कृष्ण की है। वास्तव में देह भगवान की बहिरंगा शक्ति का कार्य है, भिन्न प्रकृति, इंद्रियां देह भिन्न प्रकृति है, और जीव जो है वो अभी कृष्ण का है, जिसको परा प्रकृति कहते हैं। जीव कृष्ण का है तो वो समझ जाता है कि मैं कृष्ण का हूँ, मेरा देह कृष्ण का है, मेरा मन कृष्ण का है, इसीलिए अपने को यही भावना करता है मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण का दास हूँ, और देह को कृष्ण की सेवा में लगाता है, मन को कृष्ण की सेवा में लगाता है। मन को किस तरह कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है, इसका बहुत सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत में है। जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए वन में चले जाते थे, गोपियां अपने अपने घरों में बैठी हुई खेत में डूब जाती थी, प्रियतम श्याम सुंदर के चरण कमल अतिशय सुकुमार हैं, अरे वन में पत्थर पर चलते होंगे, घास पर, कटी हुई घास पर, कांटा पर पैर पड़ता हुआ हो, तो दिन भर इस शोक में डूबी रहती थी, कब उनके चरणों को सहलाऊंगी, कब उनको आराम से रखूंगी, उनको बहुत दुख होता होगा। यदि वृंदावन में भगवान को कोई दुख नहीं होता, वृंदावन का प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज वो फूल से भी अधिक सुकोमल, माखन जैसा हो जाता, लेकिन गोपियों का ऐसा स्वभाव था, प्रियतम श्याम सुंदर के विषय में सोच करके रात दिन यही सोचती रहती थी, यही कहती रहती थी, वो बड़े दुखी होंगे, उनके पैर में पीड़ा हो रही होगी। इसको कहते हैं मानसिक सेवा। अपने घर में थी, भगवान श्री कृष्ण से प्रकट कोई संबंध भी नहीं था, लेकिन कृष्ण का ही चिंतन करती रहती। तो भक्त तो अपने मन से भगवान का कैसे प्रचार होगा, भगवान कैसे सुखी होंगे, कैसे संतुष्ट होंगे, इसी में लगा रहता है, और भगवान लगे रहते हैं कि हमारा भक्त कैसे सुखी रहेगा। इन दोनों का परस्पर यह संबंध है। इस तरह से और शरीर से भगवान की सेवा करना, भगवान का श्रृंगार करना, श्री विग्रह की स्थापना करके भगवान की सेवा करना, अपने घर में भी मंदिर में भी भगवान की सेवा करना, उनको धोना, नहलाना, पोछना, का श्रृंगार करना, उनको तिलक करना, उनके लिए भोग बनाना, भोग बना करके कोई भी फल देखेगा भक्त, अगर सबसे अच्छा फल देखेगा तो उसकी यही इच्छा होगी कि ये फल मैं प्रभु को अर्पित करूँगा, यह है सेवा। अगर उसके पास पैसा नहीं भी है, परंतु इस प्रकार का संकल्प होता है कि ओहो मेरे पास पैसा रहता तो मैं भगवान को ये फल अर्पित करूँ, तो ये है योग, ये है भक्ति। फल भगवान का है, फूल भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, मेरा देह भगवान का है, इस तरह कृष्ण को अर्पित करने का जिसका विचार है उसको योगी या भक्त कहते हैं। इस तरह से भगवान को संतुष्ट करता है।